130, if time t is required for a radioactive, if time t is required for a radioactive substance to become one third of its initial amount, what fraction would be left after 0.5 t? यहाँ पे हमने पहले निकाल लिया कि फर्स्ट कहाँ गया कि वन थर्ड ऑफ द इनिशियल अमाउंट के लिए जो है वो हमने निकाल लिया. उससे देखिए हमने वन थर्ड के लिए जब हम निकाल लेंगे तब आप देखिए हमें k मिल जाता है, दैट इज ln ऑफ 3/t. ये हमें मिल गया, टाइम रिक्वायर्ड t था, हमें वन थर्ड इनिशियल अमाउंट चाहिए. अब हमें तब का निकालना है जब जब 0.5 t होगा. तो हम ये बात देख लेंगे अब कि 0.5 t से क्या होगा. फिर हमने ये लिख लिया a डैश हम पकड़ लेते हैं अमाउंट, और फिर a नॉट माइनस k t हमने लिख लिया 0.50. फिर देखिए हमने t की वैल्यू पुट कर दी और हमें ये आ गया. तब हम फ्रैक्शन लिख लेंगे, फिर a डैश बाय a नॉट वुड बी इक्वल टू e ln of आपका माइनस ln of 3 इंटू 0.5 चल रहा था, जिस e 1 बाय ln of 3 इंटू 0.5 जो चल रहा है, इससे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 बाई 3 0.5 या जैसा 1 बाई रूट 3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. बस एक और